हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे ब्लैक एडम मूवी में दिखाए गए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फाइनली डिले पर डिले होने के बाद इस साल डीसी की ब्लैक एडम मूवी रिलीज होने जा रही है। मूवी 20 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो इसके इतने पास होने के कारण मैंने सोचा कि ये सही टाइम होगा कि हम इसमें दिखने वाली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के ऊपर भी बात कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की कॉमिक बुक हिस्ट्री के बारे में। तो ये टीम हमें सबसे पहले 1940 की ऑल स्टार कॉमिक्स में इशू नंबर 3 में देखने को मिली थी। इन्हें कॉमिक बुक हिस्ट्री की सबसे पुरानी टीम माना जाता है। लोग का यह भी मानना है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सक्सेसफुल होने के कारण ही जस्टिस लीग, अवेंजर्स, एक्समैन जैसी टीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका में काफ़ी मेंबर्स ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, जहाँ एक टाइम पर सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वूमेन भी इस टीम के मेंबर्स रह चुके हैं। तो सारे कैरेक्टर्स पर बात ना करते हुए आइए बात करते हैं उन मेंबर्स के बारे में जो हमें ब्लैक एडम मूवी में देखने को मिलेंगे। तो ट्रेलर और क्लिप से हमें पता चल चुका है कि मूवी में हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के 4 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। मूवी में एटम स्मैशर, साइक्लोन, हॉकमैन और डॉक्टर फेट JSA के मेंबर्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटम स्मैशर की। इसका रियल नेम है एल्बर्ट रॉकस्टीन और ये अपनी पावर्स को यूज करके अपनी बॉडी को काफी बड़ा कर सकता है। पर आप इसे एटम से कंफ्यूज मत करना। एटम जस्टिस लीग का मेंबर है, जिसकी पावर मार्वल के एंटमैन से सिमिलर है। वहीं एटम स्मैशर खुद को बड़ा कर सकता है पर छोटा नहीं। एटम स्मैशर को उसकी पावर अपने पहले वाली जनरेशन से इनहेरिट हुई है। इसके अंदर ये पावर्स पैदा होने के टाइम से ही हैं और इससे पहले इसके पापा दादा के पास भी यही पावर्स थी। एटम स्मैशर और ब्लैक एडम की हिस्ट्री भी काफ़ी फैसिनेटिंग रही है। ब्लैक एडम एक टाइम पर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को ज्वाइन कर लेता है और थोड़ा बहुत अच्छाई का रास्ता अपना लेता है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि एटम स्मैशर के अंदर एक रेज है, तो उसने अपना असली हरामीपना दिखाना शुरू कर दिया। वो उसे लोगों की गलतियां गिनाने लगा और गुस्से में आकर एटम स्मैशर ने कई सारे सुपर विलन्स को मार डाला। फिर जब ब्लैक एडम कांधा का रूलर बना, तो एटम स्मैशर उसका राइट हैंड मैन बना था। पर एटम स्मैशर कोई एंटी हीरो या विलन नहीं है, क्योंकि वो आगे जाकर उसे ये रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी और वो खुद सही रास्ते पर वापस आ जाता है। इसके बाद आती है साइक्लोन। साइक्लोन भी कॉमिक्स में JSA की मेंबर है और ये भी एटम स्मैशर की तरह अपनी पावर्स को इनहेरिट करती है। साइक्लोन अपनी पावर के साथ ही बोर्न होती है, पर उसकी पावर्स टीनेज तक ट्रिगर नहीं होती। अपनी के पावर्स के साथ साथ साइक्लोन इंटेलेक्चुअली भी काफ़ी स्मार्ट है। वो काफ़ी यंग एज में हार्वर्ड भी जा चुकी है, जहाँ की पढ़ाई करने के दौरान ही उसकी पावर्स ट्रिगर होती है। साइक्लोन की मेन पावर्स है एरोकाइनेसिस, जिसका मतलब ये है कि वो साइक्लोन यानी बवंडर बना सकती है। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर है, उसका नाम है हॉकमैन। हॉकमैन का कैरेक्टर कॉमिक्स में काफ़ी ही पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता आ रहा है। तो आज से कई हजारों साल पहले ब्लैक एडम के समय में ये किंग कुफू के नाम से एग्जिस्ट करता था, जो इजिप्शियन प्रिंस था। एक दिन इसे ब्लैक एडम और डॉक्टर फेट को एक एलियन शिप मिलता है, जो बना था एंथ मेटल नाम के कॉस्मिक पावर्ड मेटल से, और इसी के थ्रू प्रिंस कुफू को हॉकमैन वाली पावर्स मिलती हैं। प्रिंस कुफू के साथ साथ ये पावर्स उसकी लवर चियारा को भी मिलती हैं, और तभी वहाँ एंट्री होती है हाथ सेट की, जो एंथ मेटल से बने एक डैगर से इन दोनों को मार देता है। मगर मरने के बाद भी इन तीनों के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। ये दोनों मरने के बाद एक बार फिर से किसी टाइम में जन्म लेंगे।
हो सकता है कि मूवी में हमें जिस हॉकमैन को दिखा रहे हैं वो कार्टर होल का हॉकमैन हो, जो कि प्रिंस कुफू का दूसरा पुनर्जन्म है। अब चौथे और मेरे फेवरेट मेंबर की बात करें तो वो है डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट डीसी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर में से एक है। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे कि कैंट नेल्सन नाम का बच्चा अपने फादर के साथ मेसोपोटामिया में एक आर्कियोलॉजिकल डिग पर जाता है, जहां पर ये एक्सीडेंटली नबू नाम के एंशियंट कॉस्मिक बींग को जगा देते हैं। तो नबू जिंदा होते ही कैंट नेल्सन के पापा को मार देता है। नबू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड लाइक बींग है और वो अपनी पावर्स को यूज़ करके कैंट नेल्सन जो बच्चा है उसे फिजिकली और मेंटली बड़ा कर देता है और उसे अपना सेवक बना लेता है। लेकिन उसकी पावर्स को यूज़ करने के लिए कैंट नेल्सन को डॉक्टर फेट का हेलमेट पहनना पड़ता है, जिसके बाद नबू की बॉडी उसको ओवरटेक कर लेती है। इसके अलावा डॉक्टर फेट के पास एक क्लॉक ऑफ डेस्टिनी और उनके गले में एक एमुलेट भी होता है, जिसे एमुलेट ऑफ एनिमस कहा जाता है, और ये इतना पावरफुल है कि इसके अंदर खुद का एक मिनी पॉकेट डायमेंशन भी है। अगर आपको ये चीज़ें सिमिलर लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर भी यही माना जाता है कि वो डॉक्टर फेट से ही इंस्पायर होकर बनाए गए थे। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की अब तक 2 सोलो मूवीज आ चुकी है, वहीं डॉक्टर फेट अब अपना सिनेमेटिक डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो आप लोग जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के किस मेंबर के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट